अभी अभी ना मैंने जो है वॉइस रिकॉर्डिंग की थी और मैं खुद ही से डिलीट कर दी, वो वापस भी नहीं आ सकती। मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अस्सलाम वालेकुम कह देती हूँ। मैं खुद ही अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। अच्छा खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है हम लोग ना गौरमे बेकरी जा रहे थे, खाना जो है हम लोगों ने खा लिया था, डिनर की कर लिया था जो कि था पुलाव, और उसके बाद जो हम लोगों ने जाना था जी बेकरी ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए। लेकिन रास्ते में जो है वो सांवर तामना हम लोगों को जानवर दिखा रहे थे। शुरू शुरू में हम लोगों ने जो है दो वैड़े देखे थे जो कि ब्लैक वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था। उसके बाद ना आगे जाती हम लोगों को दो दुम्बे नज़र आए थे और साथ एक और वैड़ा नज़र आया था जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे जानवर नज़र आते हम लोगों को गली में। और उसके बाद हम लोग गए थे मेहंदी लेने। मेहंदी लेने के बाद जो है ऑब्वियसली अगर ईद मेहंदी के बगैर कोई ईद होती है भला। उसके बाद जो है हम लोग बेकरी जाना था, हम लोगों ने ड्रिंक्स लेनी थी गौरमे से। लेकिन मसला ये हुआ था कि ना हम लोग जब पहले वाली गौरमे गए थे ना वो थे छोटी वाली गौरमे है, लेकिन ना पास पड़ते थे तो हम लोग वहाँ चले गए थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि वहाँ पर ऐसे ड्रिंक्स मिलेगी ही नहीं जो हम लोगों को पसंद नहीं है। मतलब हम लोगों को जो ड्रिंक्स चाहिए थी वो यहाँ पर थी ही नहीं। और तो उस वजह से ना हम लोग डिसाइड कर रहे थे, बस हम भी डिसाइड कर रहे थे कि अब हम लोगों ने करना क्या है। तो सामने बेसिकली मामा को कॉल लगाई थी। मामा कह रहे थे कि सामने वाली गौरमे में चले जाओ जो आगे वाली है, थोड़ा सा आगे चले जाओ रिक्शे में बैठ के, तो क्या पता आप उनको वहाँ से तब जो आप उनको ड्रिंक्स चाहिए वो ले लेना। मैंने कहा कि चलो ठीक है। हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है। हम लोग रिक्शे का वेट करते, रिक्शे वाला आया, हम लोगों को जो है दूसरे वाली गौरमे पर उतारा और हम लोगों ने यहाँ से चिप्स वगैरह ले ली थी, ड्रिंक्स वगैरह ले ली थी। और यहाँ पर जो हम लोग फुल मौज मस्ती कर रहे थे और ईद की तैयारियाँ कर रहे थे। ऑब्वियसली अगर हम लोग इतना ज़्यादा गोश्त खाएँगे ईद पर, मीट खाएँगे ईद पर, ऑब्वियसली अगर हम लोग इतना ज़्यादा मीट और गोश्त खाएँगे ईद पर तो ड्रिंक्स भी तो पीनी ही होंगी ना साथ साथ। इस वजह से जो हम लोगों ने ड्रिंक्स की भी शॉपिंग कर ली थी, साथ साथ जो है चिप्स भी ले ली थी। देन हम लोग आ गए थे जी घर, और घर आके जो है मैंने सबसे पहले जो अपने लिए मैंगो काटा था जिसका मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मैंगो जो है सामने चौंसा लेके आया था, और चौंसा जो है मेरा फेवरेट मैंगो आता है, मतलब मैंगो की टाइप होती है, और ये फर्स्ट चौंसा है इस समर का, इस गर्मी का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसके स्लाइसिस कर रही थी छोटे छोटे, और ताकि मैं जो मैंगो खा लूँ। मैंने ना पूरा टाइम सोची थी, जब मैं बेकरी में थी ना मैंगो के बारे में सोची थी कि मुझे मैंगो बहुत पसंद है। और एक इंटरेस्टिंग बात भी ये है कि ना मैं जब छोटी होती थी ना तो मुझे मैंगो बिल्कुल भी नहीं पसंद होता था। तो फिर ना मामा ने ज़बरदस्ती मेरा मुँह खुलवा के अंदर ठूंसा था मेरे अंदर मैंगो, मतलब मेरे मुँह के अंदर मैंगो, और उसके बाद ना फिर मुझे पसंद आ गया था। और उसके बाद जिससे जो है मैं मैंगो जो है बहुत ही शौक से खाती हूँ, मेरा फेवरेट फ्रूट है। इसी को तो कहते हैं टेस्ट डेवलपमेंट, लेकिन इतना ज़बरदस्ती भी नहीं करवाना चाहिए बच्चे को, बट इट्स ओके, अच्छी बात है, मेरे ही अच्छे के लिए किया था। अच्छा खैर, यहाँ पर जो मैंगो के मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए थे। और अब अगर किसी ने कहा ना कि ऐसे मैंगो कौन काटता है, हम जैसे चूज़ की खाते हैं, हम लोग ऐसे करके खाते हैं, आप लोग खाओ, आप लोगों को किसने मना किया है, मैं ऐसे खाऊँगी, कोई मसला है हमारे बीच बराबर, चलो ठीक है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे मैंगो खा लिया था, एंड देन कुछ नमकीन खाने का दिल कर रहा था। लग बात कि लोग पहले नमकीन खाते बाद में मीठा खाते हैं, मेरा उल्टा हिसाब है। तो मैंने जो चिप्स ली थी ना फ्रेंचीज वो ले ली थी। और उसके बाद जो है सुबह हो गई थी, और सुबह की रूटीन भी आप देख सकते हैं, अल्लाह करे ये वाला वॉइस नोट ना डिलीट। अच्छा खैर, उसके बाद ना यहाँ पे सुबह हो गई थी, सुबह 9-10 बजे मैं उठ गई थी, और ना फेस वगैरह वॉश कर लिया था, टूथब्रश वगैरह कर लिया था अच्छी सी, मतलब सुबह अच्छी सी, तो सुबह नहीं थी, आई हेट गर्मियों की सुबह, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे जैसे मैंने ब्रश किया वगैरह, एडिटिंग वगैरह कर ली थी व्लॉग की, तो उसके बाद जो मुझे भूख लग रही थी। रात को जो मैंने पुलाव रखा था वो मैंने गर्म करके खा लिया था, क्योंकि ना मैंने पुलाव सही तरह से नहीं खाया था, रात को मेरा पेट फुल था। उसके बाद ना मैंने मैंगो खाया था दोबारा से काट के, बिकॉज वाई नॉट, ठीक है। उसके बाद ना मैंगो खाने के बाद जो है, मैंगो खाने के बाद क्या किया था मैंने, मैं खुद भूल गई, तो जब ये वीडियो आगे बढ़ेगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या हुआ था। बेसिकली मैं ना वीडियोज़ बहुत लंबी लंबी बना देती हूँ, बाद में समझ आती नहीं कि क्या बोलूँ आप।
अच्छा खैर, यहाँ पे ना मशीन में आ गई थी, कपड़े वगैरह जो लगे हुए थे उनको उतारना था तार से, और ऑल्सो यहाँ पे ना बकरे मुझे बहुत बुरा डराया था, मेरे ना मतलब टांग के पास आ गया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये क्या हो गया, मुझे पता नहीं कि पीछे कौन आ गया मेरे, लेकिन मुझे समझ लगा कि बकरा अच्छे डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खैर, उसके बाद ना यहाँ पे फ्राइज़ की मैं बना रही थी, क्योंकि ना सुबह से कुछ खास नहीं खाया हुआ था मैंने, ठीक है, और इस वजह से ना हम लोगों ने ना आज ग्रोसरीज करने भी जाने थे, सबसे पहले जो है मैंने जल्दी जल्दी से जो है थोड़े से फ्राइज़ बना लिए थे अपने लिए और वो जो है खा लिए थे। यहाँ पे जो है मेन्यू था रात का जो कि था दाल चावल, और मेन्यू जो है वो चेंज भी हो गया था, और मेन्यू चेंज होने की रीज़न ये है क्योंकि ना हम लोग सारे बहुत ज़्यादा थके हुए थे, ग्रोसरीज वगैरह कर ली थी ना, तो इस वजह से हम लोग सोचे कि थोड़ा सा ना ईजी करते हैं मेन्यू को। अच्छा खैर, तो यहाँ पे जो है दाल वगैरह चावल वगैरह भगो के जो है हम लोग आ गए थे जी बाहर, और यहाँ पे ना हम लोग वो शाम तामों का वेट कर रहे थे, इतनी गर्मी में कि वो लोग तामों और शाम कब आएंगे। तो ना मैं यहाँ पे ना अंदर आ गई थी, कोई शूज़ ब्रांड था मुझे याद नहीं है कौन सा था, बट ना मैं यहाँ पे आके वेट करने शुरू हो गई थी, और ये रहा मतलब मैंने जो पहना था ये वो है फ्रॉक है, वाइट सा दुपट्टा है, और साथ है वाइट शलवार जो कि बहुत ही क्यूट और प्यारी सी है, ठीक है। उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे लिंक रोड मार्केट आ गए थे, क्योंकि ना मामा ने ना अपने ना ग्लासेस लेने थे कोई मुझे लग रहा है, हाँ मामा ने ना ग्लासेस लेने थे अपने, और यहाँ पर हम लोगों को मेन रोड पे जो है वेड़ा नज़र आया था एक, जिससे जो है मामा बहुत ज़्यादा डरी थी, मैं जो उनके ऊपर हंस रही थी, मतलब वेड़ से कौन रहता है, और इतना प्यारा क्यूट सा वेड़ा था। उसके बाद ना ये थी चप्पल वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई थी, स्लीपर्स वगैरह सैंडल्स वगैरह पड़े हुए थे, और यहाँ पे ना मामा जब ग्लासेस बनवा रही थी ना तो मुझे अपनी शौकियाँ सूझी नहीं थी, यहाँ पे जो है मैं ग्लासेस ट्राई कर रही थी अपने मुंह से, पता नहीं कितना साइज़ बड़ी ग्लासेस थी ये मेरी, और ये मैं ट्राई कर रही थी साथ साथ, और यहाँ पे जो है हम लोग पूरी मार्केट घूम रहे थे। एंड देन हम लोग आ गए थे जी अमाना मॉल, ठीक है, अमाना मॉल में जी हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए था इसी वजह से तो आए थे, और हाँ हम लोगों ने जाना था जी डॉलर स्टोर, वहाँ से हम लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ स्टफ़ चाहिए था जो कि हम लोगों ने लेना था। और इस टाइम ना मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरा पंखा बंद किया हुआ है, और मुझे इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना कि बस मैं लगातार बोली जा रही हूँ, फिर भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम आ गए थे जी अमाना मॉल, उफ़ भाई मैं थक गई, और ईद की ना तैयारियाँ वगैरह कर रहे थे जो कि मतलब जितनी भी चीज़ें हम लोगों को चाहिए थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली थी, एंड डॉलर स्टोर हम लोगों ने जाना था, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ, ईद की तैयारी में हम लोग जो है फुल मसरूफ़ थे, बिज़ी थे, और ना हम लोग ना थोड़ा थोड़ा थकना भी शुरू हो गए थे, अभी हम लोग निकले ही थे घर से कि हम लोग ना थकने शुरू हो गए थे, और रीज़न ये थी कि ना इतनी गर्मी होती है ना कि बस मतलब बंदा अभी घर से निकलता ही नहीं तो थकावट होने शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग विक्टोरिया आए थे, तो विक्टोरिया आते ना सामने हम सबको जो है जूस लेके दिया था, अनुषा जो है वो हमेशा से छोटी बच्ची बनती थी, कहती मेरी मैंगो लेने मेरी मैंगो लेने, मैंने कहा कि चलो ठीक है आप मैंगो ले लो, मुझे ना एप्पल वाला दे दो, वैसे भी मुझे ना शेजान का एप्पल वाला जूस ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मेरे हिस्से में एप्पल वाला जूस आ गया है और थकावट हो जाती तो थकावट को थोड़ी देर दूर भगाने के लिए जो है हम लोगों ने मैंगो जूस ले लिया था। उसके बाद जो है हम लोग आ गए थे जी मेट्रो ग्रोसरी स्टोर, और ये लग बात है कि अभी से हम लोग थकने शुरू हो गए थे, हालांकि अभी मेट्रो से ग्रोसरीज करनी थी हम लोगों ने, ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग रिक्शे में बैठ गए थे और वो जो हम लोगों को मेट्रो ग्रोसरी स्टोर पहुँचा रहा था, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग ना पैदल ही जाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं थी तो इस वजह से जो है हम लोग मेट्रो ग्रोसरी स्टोर आ गए थे, आई मीन रिक्शे में आ गए थे, और यहाँ पे जो है हम लोगों ने ज़्यादातर सब्ज़ियाँ मसाले वगैरह ही लेने थे जो कि गोश्त को तैयार करने में मदद करते हैं, आई मीन क्या बोल रही हूँ मैं, अच्छा खैर। उसके बाद ना यहाँ पे ना लाइट, एक सेकंड मैं थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या बोल, मुझे गर्मी लग रही, सॉरी। अच्छा, तो थोड़ा सा जो है सिलसिला रह गया था वॉइस रिकॉर्डिंग का, रीज़न ये कि भाई मुझे जो है बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है इस टाइम, क्योंकि मैंने ना कुछ भी नहीं खाया सुबह से, तो इस वजह से ना मुझे बोलना भी पड़ रहा साथ साथ, तो पंखा भी बंद है ऊपर से, इतनी गर्मी है, 50 टेम्परेचर है, तो बंदा क्या करे अब। अच्छा खैर, तो हम लोग जो है मेट्रो पहुंच गए थे मेट्रो ग्रोसरी स्टोर, और आप लोगों को तो पता ही है कि ये हमारा फेवरेट ग्रोसरी स्टोर होता है और ज़्यादातर हम लोग यहीं पे आते हैं ग्रोसरीज करने, और दोबारा से बड़ी ईद की ग्रोसरीज भी हम लोग यहीं पे करने आए थे। तो यहाँ पर जो है मैंने ट्रॉली ले ली थी, एंड देन हम लोग सबसे पहले सब्जियों वाली साइड पर आए थे, अनुषा ने जो है टमाटर पकड़ लिए थे, और अनुषा ना कह भी रही थी टमाटर जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट स्टिल मैंने जो है अच्छे अच्छे पिक कर लिए थे। उसके बाद जो है मैंने इंदोमी नूडल्स लिए थे लेमन फ्लेवर के, एंड देन ये जी है थोड़ी बहुत जो ग्रोसरीज हमारी अभी तक हुई है ये वो है, एंड देन साथ साथ जो है हम लोग मसालों वाली साइड पे आ गए थे, और मसालों में अनुषा ने बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, ये बिहारी कबाब मसाला लिया था,
और जो उसको समझ लग रही थी वो ले लिया था उसने। ये कौन सा मसाला है? अचार गोश्त मसाला। तो ये सारे मसाले उसने ले लिए थे ताकि जब भी उसने सालन वगैरह बनाना तो काम आ जाए। उसके बाद जो है हम लोगों ने बिल करा लिया था, पेमेंट करा दी थी, और मेट्रो से जो है हम लोगों ने रुखसती हो गई थी हमारी मेट्रो से, और यहाँ पे जो है हम लोग जा रहे थे। और ये दोनों पता नहीं क्यों आना चाह रही मेरे ब्लॉग में, और ये जो आप लोगों को बदतमीज जंगली सा बच्चा नज़र आ रही है, मेरा भाई है। तो ये छोटा सा ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। खुदा हाफिज़।